केरला में हूँ और हमारे साथ है आसिफ जो कि यहाँ का शिक्षक है और बहुत ही मशहूर एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है, जामिया सल्फिया, और इसके अंदर कई ब्रांचेस है। तो अभी मैं आपको एक अपार्टमेंट में आपको दिखाऊंगा, और अभी जहाँ पर हूँ ये कौन सा है, ये जामिया सल्फिया इंग्लिश स्कूल है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, UKG ये सब बच्चे पढ़ते हैं। तो ये है छोटे छोटे बच्चों का, और ये हमारे साथ एक और भाई है, ये भी यहाँ के शिक्षक है। इन्हीं लोग से मैं सारी बातें पूछूंगा क्योंकि मुझे तो यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक से एक स्कूल कॉलेज है इस्लामिक। तो अभी मैं आपको दूसरा डिपार्टमेंट लेके जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, ये सब कौन से स्टूडेंट है आसिफ? टीटीआई है। और मेरे पीछे जामिया सल्फिया टीटीआई का डिपार्टमेंट है। तो इन लोग ऐसा एड्रेस है क्या आसिफ? इन लोग का एड्रेस नहीं है अभी फिलहाल, वैसे अभी कोई त्यौहार है, अभी ओनम यहाँ पे चल रहा है केरला में, जिसका स्पेशल ड्रेस यही है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि केरला एक ऐसे स्टेट है जहाँ पर कोई भी त्यौहार होता है सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं, है कि नहीं? और ख़ासतौर पर ओनम को मुस्लिम ज़्यादा ही सारे लोग हैं, सभी लोग। तो ये सल्फी है, तो इसमें सभी एक कास्ट के लोग पढ़ते हैं? हाँ, सब कास्ट के, सभी रिलीजन के। ये अच्छा है। तो यहाँ पर हिफ्ज़ खाना भी है? हाँ, ये पढ़ाई होती है। चलिए, कुछ नहीं। तो वैसे तो आज छुट्टी हो गई कुछ दिनों के लिए, इसलिए स्टूडेंट उतना नहीं है। और ये है माहद हफीज़ुल कुरान, और ये शेख यहाँ के उस्ताद हैं, यूपी से हैं, और कारी साहब है। और ये वाला जो कि सेमिनार है, यहाँ पर जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो यहीं पर होता है। तो अभी मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ। ये मस्जिद है, यहाँ विद्यार्थी सभी लोग नमाज़ पढ़ते होंगे? हाँ, विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और टीचर्स भी पढ़ते हैं यहाँ पे नमाज़। तो अभी ये दूसरा डिपार्टमेंट दिखा। हाँ चलो, हाँ आइए आइए, इधर आइए आइए थोड़ा सा इधर। आज मैं दर्शन कराता हूँ आप लोगों को, टाइम नहीं हुआ अभी। ये कौन सा रूम है? ये लेडीज़ नमाज़ पढ़ने के लिए लेडीज़ लोगों का है। तो लेडीज़ लोग आती है यहाँ पर? हाँ, यहाँ लेडीज़ पढ़ती है तो नमाज़ भी पढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो आसिफ एक बात बताओ कि यहाँ पर जैसा कि जंगल झाड़ी है, कोई ऐसा खतरा तो नहीं है? खतरा है इसलिए जो सांप वगैरह निकलते रहता है, जैसे फिलहाल छुट्टी है तो कल या परसों के बाद मतलब यहाँ सन्नाटा छा जाता है। अच्छा, तो यहाँ इधर सांप वगैरह दिखेगा? दिखेगा, कभी कभी दिख जाते होंगे स्टूडेंट। तो ये क्या है कि केरला में हर जगह ऐसे ही है? ऐसा ही है। मैं आपको बता दूं कि सांप कहीं भी दिख गया हूँ, तो जैसे जैसे अंदर जाता हूँ डर तो लगता है लेकिन घर देखने को मिलता है। तो यहाँ के लोग फिलहाल डरते उड़ते नहीं है, डरते उड़ते सबको आदत हो गई, आदत हो गई है कि सांप निकला वो अपने रास्ते में चले गया। अब काटने उड़ने का मामला बहुत कम होता है, तो छेड़खानी करेगा तो कटेगा, छेड़खानी करेंगे तो भाई वो भी करेगा, जाहिर सी बात है। उंगली करेंगे तो हम भी प्रोग्राम है क्या? हाँ, फार्मेसी में प्रोग्राम है। दिखा दो, अलाउ है? अलाउ तो हम लोग नहीं जाते हैं उधर, जाते नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या फंक्शन है, थोड़ा सा उधर का भी क्लासरूम दिखाऊंगा, क्योंकि मेडिकल लाइन से भी यहाँ है, मेडिकल कॉलेज भी है, फार्मेसी, जैसे कि यहाँ पर एरो लगा हुआ फार्मेसी, तो चलो थोड़ा सा फार्मेसी भी दिखा दो। अच्छा, तो यहाँ पर बसें लगी हुई है, दूर दूर से आती हैं क्या? ये इंग्लिश स्कूल की बसेज हैं। अच्छा, दो दो से आते हैं बच्चे, आते हैं। इधर आप चले, ये ऑफिस है हमारे, मेन ऑफिस जामिया सल्फिया के जो मेन ऑफिस है वो यही है, यहाँ यहीं पे डायरेक्टर वगैरह सब कुछ रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े हेड आचार्य लोग बैठते हैं क्या? हाँ, प्रिंसिपल का भी इधर ही है? नहीं, प्रिंसिपल अपने अपने कॉलेजेस के अलग अलग प्रिंसिपल हैं, लेकिन जो मेन डायरेक्टर है वो यही हेड ऑफिस है। हाँ, हेड ऑफिस है। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ जामिया सल्फिया अरबी कॉलेज, और यहाँ के शिक्षक आसिफ है। ये वैसे उर्दू की पढ़ाई यहाँ पर होती नहीं, फिर भी आसिफ उर्दू टीचर है, आसिफ बिहार से, कटिहार से है। और अच्छा आसिफ, आपसे पहले यहाँ पर उर्दू पढ़ाई होती थी? हाँ, यहाँ शुरू से ही, जब से ये बना है, उर्दू की पढ़ाई होती है यहाँ पे। तो मेरे से पहले फ़र्क लग रहा है कि यहाँ के बच्चे उर्दू सीख रहे हैं? हाँ माशाल्लाह, जब दो साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, तो अच्छी खासी उर्दू मालूम भी हो गई है। और माशाल्लाह बाहर का व्यू देख लीजिए कितना अच्छा है सामने का, और ये पहाड़ देखने में नज़दीक लग रहा है, क्या नज़दीक है?
और ये प्लेग्राउंड है। हाँ ये प्लेग्राउंड है। अच्छा फुटबॉल प्लेग्राउंड है। फुटबॉल प्लेग्राउंड है। हाँ सारे बच्चे खेलते हैं, फिलहाल छुट्टी है जिसकी वजह से कोई नहीं है अभी। तो ये सारे जो कि अरबी के क्लासरूम है। तो चलो और ऑफिस दिखाओ। तो अब आपको यहाँ का लाइब्रेरी लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी का बैनर पोस्टर है और अभी ये सब देखकर मन करता है कि मैं भी यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दूँ। तो ये है लाइब्रेरी, यहाँ पे वीडियो बना सकता है। तो फिलहाल हम लोग लाइब्रेरी में है। अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी बुक्स हैं और ये सारी किताबें इस्लामिक किताबें हैं क्योंकि अरबिक कॉलेज का लाइब्रेरी है। फार्मेसी का अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग है। और यहाँ पर आपको मलयाली लैंग्वेज में बुक मिलेंगे और अरबिक में। उर्दू में तो बहुत मिलना मुश्किल है। उर्दू में भी है, मुजल्लात वगैरह है, कुछ किताबें हैं, कुछ तफासीर हैं। ज़्यादा उर्दू को यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये देख लीजिए। और अभी जो कि मैं हूँ स्मार्ट क्लासरूम में, यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम है। कुछ चीज़ें जो कि प्रैक्टिकली दिखाते हैं अरबिक स्टूडेंट को, यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट लगा हुआ है और यहाँ पर स्क्रीन लगता है, तो यहाँ से दिखाते हैं छोटा सा, क्योंकि जब जरूरत पड़ता है तो प्रोजेक्ट को दिखाते हैं और यहाँ से कंट्रोल होता है। तो ये है यहाँ का स्टाफ रूम और यहाँ पर एक सभी के लिए अलग अलग चेयर है। कोई भी शिक्षक किसी भी चेयर में नहीं बैठ सकता है, सबका अलग अलग है। जब खाली पीरियड होता है अपने अपने बैठ कर स्टडी करते हैं। दिखाने का हाँ फिलहाल वो है हमारा हॉस्टल है। तो भाई साहब मैं आपको हॉस्टल लेकर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ का। असल एक बात बताओ, बिहार पटना वगैरह से लोग अगर पढ़ सकते हैं क्या? हाँ फार्मेसी में पढ़ सकते हैं। फार्मेसी में अरबी अरबी कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए कि जैसे यहाँ पे अक्सर जो टीचर हैं तो वो मलयाली ही टीचर हैं, तो अक्सर मलयालम में ही समझाते हैं। क्या सीखेगा? हाँ तो यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक साल कम से कम लग जाएगा। उसके बाद यहाँ भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मलयाली आती है तो ठीक है, तभी आप कंफर्टेबल होंगे कि कुछ सीख सकते हैं। तो अभी मैं आपको हॉस्टल लेकर जाऊँगा और इधर डाइनिंग हॉल भी है तो हॉस्टल आपको लेकर चलता हूँ। हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है। इधर बॉयज़ है। हाँ बॉयज़ हॉस्टल उधर है। गर्ल्स हॉस्टल वो उधर ऊपर रह गया, उधर ही रह गया। फार्मेसी का सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है? फार्मेसी के भी और अरबी कॉलेज के भी। और फार्मेसी के बॉयज़ का नहीं है? नहीं फार्मेसी के बॉयज़ का नहीं है। फाइनली अब मैं हॉस्टल आ चुका हूँ यहाँ का। तो अभी मैं आपको रूम का अंदर जाकर दिखाऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो दोस्तों जब किसी भी हॉस्टल में एंट्री करता हूँ तो अपनी पुरानी यादें आती है, पुरानी यादें ताज़ा भी हो जाती है। जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे मौज मस्ती करते थे। अब तो हॉस्टल वगैरह में हम लोग रहते नहीं हैं। तो अभी एक रूम एंट्री कर रहा हूँ। तो ये है एक रूम। एक रूम में कितना स्टूडेंट होते हैं? एक रूम में 3-4-5। नीचे पड़ा हुआ वो सोने वाला बच्चा होगा, उसको ऊपर कंफर्टेबल नहीं होगा इसलिए नीचे सो गया, सो जाता होगा। तो छोटा छोटा बेड है, एक बेड पे एक ही व्यक्ति कंफर्टेबल हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे बेड है। तो सब अभी बंद है क्योंकि स्टूडेंट घर गए हुए, आज ही छुट्टी हुई है। और इधर वाशरूम है। तो चलो भाई अब चलते हैं।